धार में हुए बस हादसे के बाद एक चश्मदीद ने हादसे की जो वजह बताई है वो हैरान करने वाली है। चश्मदीद के मुताबिक रॉन्ग साइड से आने वाली बाइक के चलते पूरा हादसा हुआ था। ये रिपोर्ट आप देखिए। ये धार जिले के खलघाट में नर्मदा नदी पर बना वही पुल है जहां से गिरकर 12 जिंदगियां हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुकी हैं। लेकिन इस हादसे की जो वजह सामने आई है वो हैरान करने वाली है। चश्मदीद के मुताबिक ये पूरा हादसा रॉन्ग साइड से आने वाली बाइक के चलते हुआ और उसी बाइक वाले को बचाने के चक्कर में ड्राइवर का बस से कंट्रोल छूट गया और बस सीधे कई फुट नीचे उफनती नर्मदा में जा गिरी। सर मैं कर्म करके अभिषेक करके आ रहा था और दो बाइक सवार रॉन्ग साइड से आ रहे थे। आते समय उस बाइक वालों को बचाने के चक्कर में उन दोनों ने मतलब बस वालों ने इधर से इधर करा, उनको बचाने के चक्कर में वापस उनने मोटरसाइकिलों को इधर काटा। काटने के बाद उस बस वाले का बैलेंस बिगड़ा और नीचे गिर पड़ी। क्या उस वक्त में रफ्तार बस रफ्तार में थी क्या उस वक्त में? नहीं सर, बहुत स्लो चल रही थी। अच्छा, बाइक सवार को बचाने में यह हादसा हुआ? हाँ सर। और फिर सीधा गाड़ी ये जो पुल का ब्रिज है इसे तोड़ते हुए नीचे गिरी? हाँ, जी सर। तो लगभग उस वक्त आपने देखा कितने लोग, कुछ अंदाजा है कितने लोग उस बस में सवार रहे होंगे? सर मेरे को इतना नॉलेज नहीं था। मैंने अच्छा, तो खलघाट के कितने बजे की घटना है? ये 10 बजे की घटना है, सुबह 10 बजे घटना। अच्छा, जब बस गिरी सबसे पहले फिर किसको यहाँ कौन पहुँचा, किसे बताया? हमारे साथ में एक बड़े भैया चल रहे थे, वो वहाँ पर खड़े हैं। उनने 100 डायल किया और 100 डायल करके पुलिस को प्रोटेक्शन को बुलाया, उनने यहाँ पर आकर सब व्यवस्थाएं करी। अब जरा इस पुल को भी देख लीजिए जो देखने में बहुत बड़ा है लेकिन चौड़ाई बेहद कम है। और अगर ऐसे में इस पुल से गुजरती किसी बस के सामने कोई बाइक रॉन्ग साइड से आ जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि बस के ड्राइवर का क्या हाल होगा। कुछ ऐसे ही हालात इस बस ड्राइवर के साथ बन गए। हालांकि बस की स्पीड नॉर्मल थी लेकिन अचानक सामने आ रही बाइक को बचाने के चक्कर में ड्राइवर का संतुलन बस से छूट गया और फिर एक ही पल में 12 जिंदगियां अतीत के पन्नों में समा गई। मौके पर पहुंचे हमारे रिपोर्टर के मुताबिक बाइक सवार को बचाने के चलते बस सीधे नर्मदा के पानी में गिरने की जगह पुल के लिए बनाए गए सीमेंटेड बेस पर गिरी, जिसकी वजह से बस के परखच्चे उड़ गए और उसमें मौजूद किसी भी शख्स को बचाया नहीं जा सका। ये वही ब्रिज है जिस ब्रिज पे ये इतना बड़ा बस हादसा हुआ है। और देखिए, जब रॉन्ग साइड बस आ रही थी, रॉन्ग साइड आने के जब बस जा रही थी, रॉन्ग साइड टू व्हीलर वाले गाड़ी वाले जो लोग हैं वो आ रहे थे और उन्हें बचाने में इतना बड़ा बस हादसा हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब बस यहाँ से गिरती है तो नीचे पत्थर जो हैं, पत्थर के ये भाग हैं, कुछ पत्थर के छोटे मोटे जो यहाँ पे छोटा चट्टानी कह सकते हैं हम, इसमें गिरती इसके बाद पानी में जाती है, इसलिए जो हादसे में जो लोगों की मौत हुई है वो ज़्यादा हुई है। चश्मदीद की माने तो ये पूरा हादसा बाइक सवार की लापरवाही के चलते हुआ और उसी को बचाने के चक्कर में 12 जिंदगियां हमेशा के लिए शांत हो चुकी हैं। ऐसे में जरूरत है कि लोग नियमों का संजीदगी से पालन करें क्योंकि इस पूरी घटना में सिर्फ एक शख्स की लापरवाही ने 12 लोगों की जिंदगी को छीन लिया। धार से मिथिलेश गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ 8।